कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। हाँ दोस्तों, यही कहानी कुछ सूट करती है हमारे करसन भाई पटेल को। करसन भाई पटेल का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन करसन भाई पटेल कैसे आज बहुत बड़े व्यक्ति बने, करसन भाई पटेल ने कैसा संघर्ष किया है, करसन भाई पटेल ने कैसे स्टार्टअप किया है, इसके पीछे की कहानी आप लोगों को पता नहीं होगा। एक सक्सेसफुल इंसान आदमी तभी बनता है जब वो बहुत मेहनत करता है, बहुत सारे उसके जो पथ में फेलियर्स आते हैं उनको वो मद्देनजर में रखते हुए उस हिसाब से वो मेहनत करता है, तभी वो इंसान आगे की ओर बढ़ पाता है। तो आइए दोस्तों, मैं कुछ करसन भाई पटेल के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सन 1969 के पहले करसन भाई पटेल एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करते थे, और वो डेली नौकरी के दौरान जैसे ही उनका 9 से 6 उनका ड्यूटी टाइम ख़त्म होता था तो वो कुछ न कुछ उद्योग सोचते रहते थे कि मैं कौन सा बिजनेस करूं कि मैं सक्सेस हो जाऊं, मैं तरक्की की ओर बढ़ जाऊं। तो दोस्तों, फिर उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना कुछ मैं ऐसा काम करूं जो लोगों की नीड है, जो लोगों का इंटरेस्ट है। तो करसन भाई पटेल ने एक निर्मा, अपनी बेटी के नाम उसका एक निर्मा कंपनी का एक छोटे से कमरे में निर्मा कंपनी का एक कारखाना बनाया। और कारखाना बनाने के बाद दोस्तों, वो क्या करते थे कि 3 से 4 पैकेट जब वो ड्यूटी जाते थे तो 3 से 4 पैकेट अपने पॉकेट में रख के जाते थे, जो उनका जो बैग होता था जिसमें वो टिफ़िन डब्बा लेके जाते थे, तो 3 से 4 पैकेट वो डेली लेके जाते थे। और शाम को आते समय सारे दुकान में जाते थे और बोलते थे कि भैया मेरा निर्मा उद्योग स्टार्टअप हुआ है, मैंने एक छोटे से अपने घर में, सब अपनी कहानी पूरी बता देते, मैंने एक छोटे से घर में एक छोटा सा कारखाना स्टार्ट किया है और ये मैं निर्मा बना रहा हूँ, एक बार आप इसको यूज करिए। जबकि निर्मा की कीमत बहुत ही कम थी उस टाइम पे, जैसे कि जो निर्मा जो चल रहा था तो अगर कोई निर्मा 10 रुपये का होता था तो उनका निर्मा 3 रुपये का ही था, लेकिन फिर भी दुकानदार नहीं लेते थे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि नीड इंटरेस्ट पे ही वर्क करते हैं दुकानदार भी, लोगों की क्या नीड है, क्या इंटरेस्ट है, उसी हिसाब से वर्क करते थे। तो फिर करसन भाई पटेल ने एक स्ट्रेटर्जी अपनाया। स्ट्रेटर्जी में उन्होंने क्या रखा कि 10 बच्चों को पकड़ा और 10 बच्चों को डेली वो एक चॉकलेट देते थे और बोलते थे कि जाओ दुकान में, सारे दुकानों में जाके निर्मा मांगो। और वो बच्चे डेली जाते थे, दुकानदारों से निर्मा मांगते थे, तो हर दुकानदार यही कहता था कि मुझे मेरे पास निर्मा नहीं है। तो दोस्तों, 10 दिन तक वो बच्चों से यही करवाते रहे, डेली रूटीन में यही करवाते थे, जाओ निर्मा मांगो। फिर 11वें दिन वो खुद अपनी साइकिल से निर्मा लेके जाते थे और दुकानदारों से यही कहते थे कि भैया आजकल मार्केट में निर्मा बहुत चल रहा है, अगर आपको चाहिए तो बताइए, मेरे पास 10 पैकेट ही बचा हुआ था। तो इसी हिसाब से वो सारे दुकानदारों को 10-10 पैकेट निर्मा दे के आते थे। तो इस तरह से एक छोटी सी स्ट्रेटर्जी के साथ करसन भाई पटेल ने अपने बिजनेस का स्टार्टअप किया, अपने बिजनेस का ग्रो अप किया, अपने बिजनेस को इंक्रीज किया। कहने का तात्पर्य है, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि 24 घंटा सबके पास होता है, एक सफल इंसान के पास भी एक 24 घंटा होता है, एक बहुत बड़े इंसान के पास भी 24 घंटा होता है, और एक छोटे से इंसान के पास भी बहुत कम समय होता है जिसको अपन 24 घंटा कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जितना भी समय है हम उस समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज़ है जो हमको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। तो अपनी पॉजिटिव वे, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप जो भी कर रहे हैं, आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो आप डेली सोचिए, डेली अपनी स्ट्रेटर्जी अपनाइए, डेली अपने मन में ख्याल लाइए कि मैं अपने बिजनेस को कैसे ग्रो अप कर सकता हूँ, मैं अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता हूँ। उसी के साथ दोस्तों, आप विश्वास मानिए कि एक दिन आपका बिजनेस बहुत ऊपर जाएगा। और मैं यही कहना चाहूँगा, थिंक लेंस, दूर की सोचिए, हमेशा सतर्क रहें। मेक इन इंडिया, इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू।